चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में चुनाव होना है। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए अधिकारी की मीटिंग कर रहे हैं। चुनाव के दौरान पुलिसिंग व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए इलाहाबाद मंडल के ADG भी हमीरपुर पहुंचे और अधिकारी और थाना अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की। थाना वाइज इसकी समीक्षा की गई कि किस प्रकार की यहाँ पे आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा रहा है, चुनाव की तैयारी किस ढंग से की जा रही है और उसमें साथ मिलकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का क्या क्या अपेक्षित है, क्या क्या और कार्रवाई करना है, जैसे कि भ्रमण साथ में करने के संबंध में और विभिन्न क्षेत्र में जो वल्नरेबल क्षेत्र है उसकी वल्नरेबिलिटी को कम कैसे किया जा सकता है, संवेदनशीलता को कैसे कम किया जा सकता है, इसका प्रयास करने के लिए उन्हें सब बताया गया है। थाने वाइज एवं जनपद स्तर में जो चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि अवैध शस्त्रों का बरामदगी, अवैध शराब की बरामदगी और उसके साथ साथ जो लाइसेंसी असलाह के जमा के संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, NSA एवं उसके साथ साथ 107-16 में जो पाबंदी की कार्रवाई, वो सबकी विस्तृत रूप से यहाँ पे समीक्षा की गई। वहीं मऊ जिले में 19 मई को मतदान होना है। मतदाताओं की सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। चुनाव के मद्देनजर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मतदाता क्या पूरे जनपद में रहेगी, सारे के सारे सुरक्षा का प्रबंध जो है 10,000 लोगों के ऊपर है। 8 कंपनी CPMF और 4 कंपनी PSC, इसके अतिरिक्त जो सिविल पुलिस हमको मिला है वो विभिन्न जनपदों से 254 सब इंस्पेक्टर हैं, 413 हेड कांस्टेबल हैं और 2277 जो है कांस्टेबल हैं। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के प्रतिशत बढ़ाने के लिए कानपुर के दिव्यांगजन आगे आए। दिव्यांगजनों ने रैली निकालकर जनता को वोट देने के प्रति जागरूक किया। दिव्यांगजनों का कहना है कि जब वो लोग दिव्यांग होकर वोट डाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। विकलांग एसोसिएशन के तत्वाधान में आज हम लोग मतदाता जागरूकता रैली दिव्यांगजन निकाल रहे हैं और हम ये अपील कर रहे हैं कि जब हम दिव्यांग होते हुए भी, शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी, जब घर से चल करके बूथों पर मतदान करने जा सकते हैं तो आप स्वस्थ होकर के और सक्षम होकर के भी आप क्यों नहीं वोट डालने जाते हैं। आपको वोट डालने जाना चाहिए अगर स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करना है, देश का भविष्य अच्छे हाथों में देना है तो हमें मतदान करना चाहिए। आप भी मतदान करिए और हम तो 80% पिछले विधानसभा में मतदान कर चुके हैं, अब की 95% मतदान हम लोग को करने का हम लोगों ने सोचा है और आप भी जो है 100% मतदान करें, ये देश की जनता से अपील। बता दें कि दिव्यांगों के लिए प्रशासन की ओर से मतदान स्थलों पर 2 दिव्यांग मित्र की तैनाती की गई है ताकि जो भी दिव्यांग मतदाता है वो बिना किसी समस्या के मतदान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।